ओम परमात्मने नमः भगवान ने दूसरे श्लोक में यह बताया है कि मैं विज्ञान सहित ज्ञान को संपूर्णता से कहूंगा जिससे कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता सब जानना बाकी रहता ही नहीं तो जो फिर सब मनुष्य उस तत्व को क्यों नहीं जान लेते इसके उत्तर में आगे के श्लोक में कहते हैं कि मनुष्याणाम सहस कश्चि त्यतती सिद्ध ये यतता नाम सिंह कश्चिम वेन्ति तत्व अर्थात मनुष्याणाम सहस्रेशु कस्तती सिद्ध हजारों मनुष्यों में कोई एक ही मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है तात्पर्य है कि जिनमें मनुष्यपना है अर्थात जिनमें मनुष्य पशुओं की तरह खाना पीना और ऐसा आराम करना नहीं है वो ही वास्तव में मनुष्य है उन मनुष्यों में भी जो और धर्म पर चलने वाले हैं ऐसे मनुष्य हजारों हैं। उन हजारों मनुष्यों में भी कोई एक ही सिद्धि के लिए यत्न करता है अर्थात जिससे बढ़कर कोई लाभ नहीं जिसमें दुख का लेस भी नहीं आनंद की किंचित मात्र भी कमी नहीं और कमी की संभावना ही नहीं ऐसे स्वतः सिद्ध नित्य तत्व की प्राप्ति के लिए यत्न करता है तो जो परलोक में स्वर्ग आदि की प्राप्ति नहीं चाहता और इस लोक में धनमान भोग कीर्ति आदि नहीं चाहता अर्थात जो, जो उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं में नहीं अटकता और भोगे हुए भोगों के तथा मान बड़ाई आदर सत्कार आदि के संस्कार रहने से उन विषयों का संग होने पर उन विषयों में रुचि होते रहने पर भी जो अपनी मान्यता उद्देश्य विचार सिद्धांत आदि से विचलित नहीं होता ऐसा कोई एक पुरुष ही सिद्धि के लिए यत्न करता है इससे सिद्ध होता है कि परमात्मा प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए या यत्न करने वाले अर्थात दृढ़ता से उधर लगने वाले बहुत कम मनुष्य होते हैं तो परमात्मा प्राप्ति की तरफ न लगने में कारण है भोग और संग्रह में लगना सांसारिक भोग पदार्थों में केवल आरंभ में ही सुख मिलता है प्राय तत्काल सुख देने वाले साधनों में ही लगते हैं तो उनका परिणाम क्या होगा इस पर ये विचार करते ही नहीं अगर वे भोग और ऐश्वर्य के परिणाम पर विचार करने लग जाएं कि भोग और संग्रह के अंत में कुछ नहीं मिलेगा रीते रह जाएंगे और उनकी प्राप्ति के लिए किए हुए पाप कर्मों के फलस्वरूप चौरासी लाख योनियों तथा नरकों के दुख में रूप में दुखी दुख भोग मिलेगा तो वे परमात्मा के साधन में लग जाएंगे दूसरा कारण यह है कि प्रायः लोग सांसारिक भोगों में ही लगे रहते हैं उनमें से कुछ लोग संसार के भोगों से ऊंचे उठते भी हैं। तो वे परलोक के स्वर्ग और भोग भूमियों की प्राप्ति में लग जाते हैं परंतु अपना कल्याण हो जाए परमात्मा की प्राप्ति हो जाए ऐसा दृढ़ता से विचार करके परमात्मा की तरफ लगने वाले लोग बहुत कम होते हैं इतिहास में भी देखते हैं तो सकाम भाव से तपस्या आदि साधन करने वालों के ही चरित्र विशेष आते हैं कल्याण के लिए तत्परता से साधन करने वालों के चरित्र बहुत ही कम आते हैं तो वास्तव में परमात्मा तत्व की प्राप्ति कठिन या दुर्लभ नहीं है प्रत्युत इधर सच्ची लगन से तत्परता पूर्वक लगने वाले बहुत कम हैं। इधर दृढ़ता से न लगने में संयोग जन्य सुख की तरफ आकर्षित होना और परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए भविष्य की आशा रखना ही खास कारण है तो प्राय लोग इस तीसरे श्लोक को तत्व की कठिनता बताने वाला मानते हैं। परंतु वास्तव में यह श्लोक तत्व की कठिनता के विषय में नहीं है क्योंकि परमात्म तत्व की प्राप्ति कठिन नहीं है प्रत्युत तत्व प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा होना और अभिलाषा की पूर्ति के लिए तत्व जीव मुक्त महापुरुषों का मिलना दुर्लभ है कठिन है यहां भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मैं कहूंगा और तू जानेगा तो अर्जुन जैसा अपने श्रेय का प्रश्न करने वाला और भगवान जैसा सर्वज्ञ कहने वाला मिलना दुर्लभ है वास्तव में देखा जाए तो केवल उत्कट अभिलाषा होना ही दुर्लभ है कारण कि अभिलाषा होने पर उसको जानने की जिम्मेदारी भगवान पर आ जाती है यहां तो तत्वतः कहने का तात्पर्य है कि वह मेरे सगुण निर्गुण साकार निराकार शिव शक्ति गणेश सूर्य विष्णु आदि रूपों में प्रकट होने वाले और समय समय पर तरह तरह के अवतार लेने वाले मुझको तत्व से जान लेता है अर्थात तो उसके जानने में किंचित मात्र भी संदेह नहीं रहता और उसके अनुभव में एक परमात्म तत्व के सिवाय संसार की किंचित मात्र भी सत्ता नहीं रहती अतः चैनल को सब्सक्राइब करें आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें बोलो जय श्री कृष्णा